किसी ने इस तुलसी को जड़ समेत मिट्टी से बाहर निकाला है और ठीक से लगाया भी नहीं है, लेकिन इस घर में कौन ऐसा कर सकता है? मैं अच्छे से लगा देती हूँ। लेके जाते हैं।
टूट जाएगा। अंदर रहने में उपले कैसे ढूंढ पाएंगे? और अगर उपले नहीं मिले तो मैं द्वारका माई को दियों से कैसे सजाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही है। अब क्या होगा? तुम लो पानी पियो। जब भी कुछ ढूंढना हो तो सबसे पहले उसका मार्ग ढूंढो। उन बोरियों में कुछ ऐसा था जो कि खास था। ऐसा क्या खास हो सकता है बोरियों में? तुमने तो दी थी मुझे बोरिया। सोचो सोचो, क्या उन बोरियों में कुछ ऐसा था जो कि अलग था? इन बोरों में भर के ले जा। लेकिन इसमें तो घोड लगा हुआ है साईं। उन सब में घोड लगा हुआ था। हाँ, और गुड़ तक सबसे पहले कौन पहुंच सकता है? चीटी। शाबाश। अब चीटियां ही हमें उन गुड़ की बोरियों तक पहुंचाएंगी। चलो चलो, चीटियां ढूंढो, वो ही हमें सही रास्ता बताएंगे उपलो तक। हाँ। साई, मेरी मदद करिए। पंता जी, ये बुद्धू बच्चे जमीन पे क्या ढूंढ रहे हैं? उपले ढूंढ रहे हैं। ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलने वाले। साई, मेरी मदद करिए। साई, मेरी मदद करिए। चीटियां? तो वही जा रही है जहां हमने बोरियां छुपाई हैं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके
मेरा ही को तूने रास्ता दिखाया, चलो चलो जल्दी से लेकर चलते हैं। मेरे भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ निराश मत होना, हम इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं है। दिवाली तो इनको मैं नहीं मनाने दूंगा। जी चावल दीजिए। रगड़ो दे। बाईजात का से मिले हुए पैसों से हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। चढ़ दिए दे दीजिए। दिए दे रगड़ो धीरे धीरे। शुभ दीपावली। हाँ आ जाओ भाई। हाँ उठा ले। हमें ना वो चुप रह। ए दगलू जब तक मैं आ ना जाऊं किसी को कुछ बेचना मत। हमें तेल दीजिए फिर चले जाइए। ए, अब तू बताएगी सेठ जी को कि क्या करना है। अरे है? अरे तुम दोनों के चेहरे पे क्या हुआ है? गंगाराम जी वो छोड़िए, आप ये बताइए इन बस्ती वालों को आप तेल तो नहीं बेच रहे हैं ना? सोच के देखिए गंगाराम जी, आप तेल बेचेंगे तो इनकी बस्ती में दिवाली मनाई जाएगी, वो भी पहली बार। वैसे आप ही ने तो कहा था ना कि इन अच्छुतों को दिवाली मनाने का कोई अधिकार नहीं। हाँ। तो गंगाराम जी आप ही को कुछ करना पड़ेगा। वैसे पूरे गांव में आप ही के दुकान पर तेल मिलता है, अगर तेल ही नहीं मिलेगा उन्हें तो दिए कहाँ से जलाएंगे? और अगर दिए ही नहीं जलाएंगे तो दिवाली कैसी मनेगी? दिवाली मनाने से इनको आपने रोक लिया तो सबसे ज्यादा खुशी कुलकर्णी सरकार को होगी। जपरी ये सेठ जी कब आएंगे? आज का शुभ दिन तुम जैसे अछूतों के पैसे लेकर अशुभ नहीं बनाना मुझे। लेते होंगे लेकिन आज नहीं, ये मेरी दुकान है, मैं जिसे चाहूं बेचूं, जिसे चाहूं ना बेचूं।
दो पैसे कमाकर हमारी बराबरी नहीं कर सकते तुम लोग। बड़े आए बराबरी करने वाले। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए। जिप्री ने कहा था कि इस दिवाली हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं होगा। हम लोग द्वारका माई में भी दिए लगाने वाले थे, कितनी मेहनत की हमने, पर अब लगता है सब बर्बाद। जिप्री ने सपने दिखाए क्यों? हमें एक बार तो साई के पास जाना चाहिए था ना। क्या फायदा साई की बातों में आकर, हमने इतनी मेहनत की और देखो सब कुछ चौपट हुआ ना। वो हमें बिना बता ही चली गई, कुछ कहा ही नहीं। जिप्री, जिप्री, जिप्री। सुनो सुनो भाइयों, अंधेरा हो गया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। चलो चलो चलो। दिवाली पर मुझे द्वारका माई और अपनी बस्ती में खूब सारे दिए जलाने हैं ना। मैंने तुझे लक्ष्मी कहा है, और ऐसा क्या है जो लक्ष्मी चाहे और ना हो। मैं चाहती हूँ इस दिवाली हम सबके घर में दिए जले, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी दिवाली मनानी है। मैं भी मदद करूँगा। हम भी मदद करेंगे। एक दिन तेरी बस्ती के लोगों को तुझ पर गर्व होगा। ये तो मिट्टी के उपले है। अब चीटियां ही हमें उन गुड़ की बोरियों तक पहुंचाएंगी। साई, मेरी मदद करिए। हमें सारे उपले चाहिए। उपलों के पैसे मैं दूंगी। नहीं हुई।
की राह देखता रहा और लक्ष्मी यहाँ है। मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाई साई। सजाओ, सजाओ, पूरे वाड़े को दियों से सजा दो और भी भव्य दिखना चाहिए वाड़ा। हरिओम। विष्णु, इतने निराश क्यों दिख रहे हो? मुझे कल सुबह पुलिस कर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। जिस खजाने की वजह से विष्णु इतनी बड़ी दुविधा में है, वो खजाना तो घर के पीछे है। हरिओम। कल सुबह तक तो बहुत कुछ हो सकता है विष्णु। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है। मैं बर्बाद हो गया। डरो मत विष्णु, मैं हूं। राजकोष की क्षतिपूर्ति के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति से पर्याप्त दंड राशि वसूल करवा के ही रहूंगा मैं। सब साई के अनुयायी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, देख लेना तुम। विष्णु, तुम चिंता मत करो। सेठ जी, आज लक्ष्मी पूजा के दिन एक खरीदार को मना करेंगे आप? मेरी दुकान मेरी मर्जी, और वो लोग जिन्हें समाज ने, शास्त्रों ने अधिकार ही नहीं दिए अपने मन से दिवाली मनाने की सोच ले, ऐसा मैं कदापि होने नहीं दूंगा। गंगाराम जी, आपको कुलकर्णी सरकार ने आमंत्रित किया है। अच्छा सेठ जी, मुझे तेल बेचने में कोई आपत्ति है आपको? We'll be right back.
ये लो तेल। इतने दाम में इतना ही तेल आएगा? इतने पैसों में तो 5 कनस्तर तेल मिलना चाहिए। भाव बढ़ गए। दिवाली है ना, भाव बढ़ गया। इतना भाव? थोड़ी देर पहले तो भाव ठीक था। अच्छा, तुझे पूरा कटोरा भरकर तेल चाहिए? ला, मैं दे देता हूं। लो, साई, मेरे दिए कभी नहीं जलेंगे। तो दिवाली जरूर मनाएगी लक्ष्मी। तेरे दिए जरूर जलेंगे और वो भी इसी पानी से। एक और बार असंभव काम करने जा रहे हैं। बिना तेल बिना घी के पानी से दिए जलाएंगे। चलो चलो देखते हैं। आप क्या करने वाले हो साई? थोड़ी देर रुक जा, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन साई, पानी से तो आग बुझती है, आप दिए कैसे जलाओगे? जिबरी क्या कह रही है? साई पानी से दिए जलाएंगे। जिबरी, 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 तू यहाँ है? लक्ष्मी, इन दियों को पूरी द्वारका माई में सजा दो। कल सब खत्म हो जाएगा, मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा। क्या हो गया है मुझे? एक भी सबूत हाथ में क्यों नहीं लगा है? साई पानी से दिए जलाने वाले हैं। चलो चलो खंडर की तरफ, जल्दी चलो। सरकार, सरकार, ये क्या हो रहा है यहाँ? साई दिए जलाने वाले हैं, वो भी पानी से। बच्चों, सारे दियों में बातियां लगा दो। जब जीवन में दुख का न्यारा छाए,
मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। हो गया साई। हरि ओम। देख रहे हैं सरकार, ये ढोंगी कह रहा है बिना घी बिना तेल के आज पानी से दिया जलाएगा। चलो अच्छा ही है, अपनी मूर्खता अपने आप सिद्ध कर दे तो हमें प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगाराम जी, बच्चों को मूर्ख बनाने चला था तू, देख ले बड़े भी आ गए हैं, देखता हूं कैसे दिए जलाता है तू, और वो भी बिना तेल के। देख रहे हो तुम सब, पानी से जलाएगा ये दिए, पानी से। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई।
ये तो पानी है, साई ने पानी से दिए जलाए। विष्णु, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये साई मायावी है, इसने बहुत बड़ी चाल चली है। चाल, इन्होंने तो पानी से दिए जलाए, ऐसे इंसान को तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको समझने में बड़ी देर कर दी साईं। मेरे साई लक्ष्मी, देखा, ये तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी लगन है जो तेरा सपना पूरा हुआ। देख, तेरी बस्ती आज अयोध्या की तरह जगमगा रही है। कल सुबह पुलिसकर्मियों का एक दल हिरासत में ले लेगा, क्योंकि ना तो मैं संदूक ढूंढ पाया और ना ही किसी के खिलाफ सबूत जुटा पाया। कर्म किसी का और दंड किसी और को, ये तो अन्याय है। और सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं चुप रही तो मैं भी इस पाप की भागीदार बनूंगी। और अगर मैं विष्णु को बचाने के लिए वो संदूक का रहस्य खोल देती हूँ तो केशव के पिताजी संकट में आ जाएंगे। वहिनी, वहिनी, चमत्कार हो गया शिरडी में, पता है पूरे द्वारका वही जगमगा रही है और छिपरी की बस्ती भी जगमगा रही है। हाँ, वो भी उन दियो से जिनमें तेल नहीं पानी है। साई ने पूरे गांव के सामने पानी से दिए जला दिए। साई ने, साई के पास ही मेरी दुविधा का उत्तर होगा। परीक्षा, एक और परीक्षा। कहीं उस दिन साई ने जो परीक्षा का संकेत दिया था मुझे, ये वही परीक्षा। वहिनी, वहिनी, आप कहाँ जा रही है? वो भी इतनी रात को अकेले, मुझे जाना होगा, बहुत जरूरी है। कहाँ जा रही हो? बोलो। मैं वो क्या? मैं वो वही जा रही हो ना जहां पूरा गांव पहुंच चुका है? उस ढोंगी द्वारा बुने गए मायाजाल को देखने? ये विश्वासघाती लोग साई के पैरों में गिरे जा रहे हैं और वो भी मेरे सामने।
डर से लेकर यहाँ तक हर व्यक्ति अपने घर से उस पाखंडी का चमत्कार देखने जा रहा है। और रुक्मिणी, मेरी अज्ञा की अवहेलना करने का दंड तुम्हें बार बार मिल चुका है। ये शव भी केवल तुम्हारे कारण यहां नहीं है और उसके पश्चात भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर जाओ। सब वहां पर थे क्या? क्या देखा तुम लोगों ने वहां पर? ए तू बता। हमने तो कुछ नहीं देखा सरकार, आपके होते हुए हम किसी और की ओर क्यों देखें? लेकिन सबका मानना है कि उसने पानी से दिए जलाए है कि नहीं? बनता तो बता। मूर्ख मूर्ख लोग हैं सरकार, पानी से दिए कोई जला सकता है क्या? इसका मतलब है तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा, उसने दिए जलाए लेकिन तेल से नहीं, पानी से। पानी? जब आप कह रहे हैं तो पानी होगा सरकार। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, निर्णय आपको ही लेना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जो आपने कहा, ऐसा दिव्य चमत्कार। ये तो खंडोबा की कृपा है हम पर कि हम शिरडी की इस पावन भूमि पर उस समय में हैं, जिस समय यहाँ साईं जैसे दिव्य पुरुष हैं। अंदर नहीं आएंगे आप? अब भी नाराज हैं हमसे? मुझे माफ कर दीजिए। अहंकार ही था कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, कहीं और देखा ही नहीं असली अपराधी को ढूंढने के लिए। मैंने अपने काम के प्रति कोई बेईमानी नहीं की।
लेकिन मैंने ईमानदारी में औरों के साथ अच्छा नहीं किया। अब अंग्रेज सरकार मुझे जो भी सजा देगी मैं स्वीकार कर लूंगा। चिंता मत करिए, सब ठीक ही होगा। यमुना से भी मिल लीजिए, उसे मना लीजिए। तुम्हारा अपराधी हूं यमुना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत दुख। द्वारका माई में साई का चमत्कार देखने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अपने अहंकार के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तुमसे माफी मांगू भी तो कैसे मांगू, जब मैं अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहा हूं। कभी किसी से इतनी घृणा नहीं हुई जितनी आज अपने आप से हो रही। परेशान मत होइए, साई के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। आपको जो कहना है साई से कहिए। आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं, तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। आपसे माफी मांगने आया। आपको समझने में गलती कर दी मैंने, और कल मुझे आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण तो कभी ना कभी सभी को करना है, उसका भय नहीं होना चाहिए। ये बाल कृष्णा कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे से ज्यादा अच्छे होने चाहिए, किसी की शादी का तोहफा है ये। एक मामा की ओर से एक भांजी के लिए। लेकिन मैंने आपके बारे में पता किया था, किसी ने बताया नहीं कि आपका परिवार भी है, या आपके बहन के बारे में। यमुना मेरी भांजी जैसी ही तो है। ये बाल कृष्ण हमेशा उसके पास रहेंगे, उसके घर की याद बनकर, उसे रास्ता दिखाने के लिए। यमुना की शादी कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि कल मुझे आत्मसमर्पण करना है, और रात खत्म होने में कुछ समय ही बाकी है। विश्वास रखो, मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी ही, और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा।
साई, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। वो संदूक जो गांव के हर एक निवासी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसके कारण सबकी दिवाली की खुशियां कम हो गई है, वो संदूक मेरे ही घर में छुपाया गया है। और अगर ये बात मैं सबको बताती हूं तो अपने पति के अपमान का कारण बनती हूं, और अगर ये बात मैं छुपाती हूं तो निर्दोष लोगों पे हो रहे अन्याय अत्याचार में भागी बनती हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाएं साईं। और जब से संदूक मिला है आप अपने इस अंतर्द्वंद से जूझ रही हैं। हाँ साई, लग रहा है मुझे कोई रोग हो गया है। ना नींद आती है ना खाने की कुछ इच्छा होती है, जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। मन इतना अशांत कभी नहीं हुआ है। अल्लाह मालिक, जा रहे हैं आप? लेंडी बाग, मेरे पौधे मुझे बुला रहे हैं। फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है साईं, लेकिन आप मुझे इस परीक्षा में अकेले छोड़ के जा रहे हैं। मुझे जब भी कोई पुकारता है अपने साथ ही पाता है। पुलिस मुख्यालय लौट रहा था। तो क्या अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या क्या स्वप्न लेकर आया था यहाँ पर, सब खो दिए, यमुना को भी। भाग्य कौन बदल सकता है? अच्छा चलता हूं। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतरात्मा आपको दे रही है, बस आप उसे सुनना नहीं चाहती। निर्णय आपको ही लेना है। सुनिए, कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम।
आज के बाद ये वर्दी भी नहीं पहन सकूंगा। जेल से बरी हो भी गया तो भी मुझे गद्दार कहा जाएगा आजीवन। साई से कहिए, आज तक वही मार्ग दिखाते आए हैं तो फिर आज भी वही मार्ग दिखाएंगे। मेरी भांजी यमुना की शादी तो होगी और जैसा मैंने कहा कि आत्मसमर्पण वो भी होगा। क्या कहना चाहते हैं साई? यमुना और मेरी शादी, मुझे उस पर दोबारा विचार करना होगा। अब मैं यमुना को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, कभी नहीं लौट पाऊंगा उसके पास। कुएं में Sai Ram.